किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दलहनी फसलें काफी संवेदनशील होती हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये पोषक तत्व से भरपूर होती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी होती हैं। तो वहीं किसानों की आमदनी में इजाफा करने में भी ये काफी सहायक होती हैं। हमारे जो किसान भाई बहन दलहनी फसलों की खेती करते हैं, वो अपनी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, हाल ही में बांदा में जिला प्रशासन द्वारा अरहर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए उसी पर दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। दलहनी फसलों में मुख्य रूप से मटर, चना, मसूर, राजमा, उड़द और मूंग आते हैं। ये फसलें प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। ये न केवल सेहत के लिए अच्छी होती है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब होती है। दलहनी फसलों की खेती करते समय कम से कम उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए तो अच्छी फसल की प्राप्ति हो सकती है। अपने पोषक तत्वों और गुणों के कारण दालों की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, इस कारण भी दलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। दलहन की खेती और गुणवत्तापूर्ण उपज को लेकर कटरा कालिंजर बांदा में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित अरहर दलहन सम्मेलन में भी इसी बात पर चर्चा हुई। देखिए, ऐसा है कि जो हमारा ये बांदा जिला है, यहाँ पे आय लोगों की कैसे बढ़ाई जाए, तो यहाँ ये इंडस्ट्रियल स्टेट या इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। यहाँ के आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का मुख्य आधार किसान और कृषि है, और यहाँ पानी का अभाव है। तो यहाँ दलहन की जो फसल है, अरहर, चना, मसूर, मटर, यहाँ कुछ पोर्शन में चावल भी अच्छा होता है, यहाँ नरेनी का गुड़ बहुत अच्छा है। तो ये जो दलहनी फसलें हैं, यहाँ के वातावरण में बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पानी कम है, वो दलहन फसल को सूट करता है, और यहाँ का जो ज़मीन है वो थोड़ी बलुई है, वो भी सूट करता है। तो यहाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के में, यहाँ के जो किसान हैं, ये केमिकल खाद ना के बराबर यूज करते हैं, तो ऑलमोस्ट ये ऑर्गेनिक हैं, टेस्टी हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट उन्हें सूट करता है। और इसमें हमारा जो उद्देश्य है आज के इस प्रोग्राम का, एग्री टूरिज्म, देखिए यहाँ आएंगे, हमारे सब कार्यक्रम देखेंगे, और ये जो हमारा कालिंजर का फोर्ट है, फेमस है, वो वर्ल्ड फेम का है, इसकी टूरिस्ट वैल्यू भी होगी, यहाँ के बाद वहाँ चले जाएंगे। तो एक तो हमारा कॉन्सेप्ट है एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देना, एक बात। दूसरी बात ये, जो हमारा अरहर का और दलहन की फसल है, इसकी हम ब्रांडिंग करना चाहते हैं। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी को अच्छी स्वादिष्ट और ऑर्गेनिक दलहन चाहिए, सरसों चाहिए या चना चाहिए, तो वो बांदा आए। अभी क्या है, इसका प्रचार नहीं, और जब एक बार प्रचार हो जाएगा, ब्रांडिंग हो जाएगी, तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो दाम मिलेगा। जो ये बेचने की, ना बिकने की, कम दाम की समस्या है, ये ऑटोमेटिक दूर होगा। अभी ये शुरुआत है, इसके बाद और भी इसमें हम बहुत सारे गुणात्मक सुधार करेंगे जैसे जैसे लर्निंग होगी। इस सम्मेलन में तमाम वैज्ञानिकों, सफल किसान और कई सारे पद्मश्री कृषकों के साथ बांदा जिले के सांसद आरके सिंह ने भी भाग लिया। उन्होंने किसान भाइयों को दलहनी फसलों की खेती के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया, साथ ही साथ इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी बातचीत की। मैं सभी प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मोदी जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते समय किसानों की लागत का जोड़ा दाम देने का जो एक फैसला किया है, इसके लिए एक सराहनीय कदम उन्होंने किया है। मैं आप सब किसानों के माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य अनाजों का तय करते समय किसान की उस मजदूरी की लागत को भी जोड़ने का काम किया है। ये साहसिक निर्णय लेने का काम भारत के सभी प्रधानमंत्री जी ने किया। दलहनी फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे दलहनी फसलों पर संकट आ गया है।
परंतु देश में कुछ ऐसी भी जगह है जहां के किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल करके अधिक और स्वास्थ्य वर्धक दलहनी फसलें उपजा रहे हैं। ऐसे में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कटरा कालिंजर बांदा में अरहर सम्मेलन के दौरान बांदा की दाल को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की बात कही गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यहां दलहनी फसलों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग न के बराबर होता है, जिस कारण उपज ऑर्गेनिक होती है, जिससे स्वाद तो अच्छा होता ही है, साथ ही यहाँ की दाल सेहत से भी भरपूर है। हमारे भोजन में प्रतिदिन 52 ग्राम दाल की आवश्यकता पड़ती है, जितना सेवन करना चाहिए, परंतु भारत में प्रतिदिन दाल की उपलब्धता मात्र 41.6 ग्राम है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से आज आयोजित अरहर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बांदा की दाल को ब्रांड के रूप में स्थापित कर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहल है। बांदा की दाल की अपनी एक खास विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर दलहनी फसलों में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग ना के बराबर किए जाने से ऑर्गेनिक उत्पाद की गुणवत्ता के करीब है, जिससे स्वाद भी अन्य दालों की तुलना में अच्छा होता है। चूँकि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का दुष्प्रभाव बीमारी के रूप में परिलक्षित होने लगा है, ऐसे में बांदा की दालों का महत्व और भी बढ़ जाता है। दलहनी फसलों की खेती करते समय कई मुख्य बातें हैं, किसान अगर जिनका ध्यान रखकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि बुआई कब और किस प्रकार करें, खेती में सिंचाई स्प्रिंकलर विधि से करना, भूमि का चुनाव, उचित जल निकासी की व्यवस्था आदि, बीजोपचार करना भी अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायक है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आने वाले वर्षों में क्रय केंद्रों की भी स्थापना की जानी है, ताकि किसान भाइयों को अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिले। अगर हम ये सोचें कि किसान के खेत पे पल्सेस की जो कीमत मिलती है और जो कंज्यूमर को कीमत मिलती है, इसके लॉन्ग टर्म के कई वर्षों के पांचों छह जो मुख्य दलहन फसलें हैं उन पर अगर नज़र डालें तो आपको इसका अंतर ठीक ठाक मिलेगा। अगर नीति नियंता या हम सारे लोग पूरा समूह ये सोचे कि उस अंतर का सिर्फ आधा अगर किसानों के कीमत में चली जाए तो शायद ये कदम किसानों की आय दलहन के माध्यम से दुगनी करने में सहायक हो सकती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी बात हो रही थी कि अरहर की परंपरागत वैरायटी 200-300 दिन में हम लोग लेते हैं। हमें, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमें अपने पद्धति को 2020 और उसके बाद के लिए बदलाव करने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें ये सोचना होगा कि हम कम समय लेने वाली बहुत सी वैरायटी देश में आ चुकी हैं। जैसे अगर मैं नाम के लिए बताऊं तो अरहर में पूसा की वैरायटी है 991, 992, P16, ये सब कम समय में होती हैं, और इसमें आप इंटरक्रॉपिंग, अभी एक्रिसेट के वैज्ञानिक में मूंगफली की बात की, इसमें अगर आप डिसिप्लिन रूप में जितेंद्र जी को की बात ध्यान में रखते हुए छिटकवा बुआई न करके अगर लाइन में करें तो सारा मैनेजमेंट ठीक होगा और उसमें आप मूंगफली की बहुत अच्छी खेती ले सकते हैं। और जहां पर पानी कम है हम सोचें कि दलहनों में हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसकी तरफ सोचें, स्प्रिंकलर के बारे में सोचें। पानी से रिलेटेड एक बहुत मुख्य बात आप लोगों को मैं रेखांकित करके कहना चाहता हूं कि सारी फसलों में इरिगेशन का नाम पहले आता है, लेकिन दलहनी फसलों में पहले ड्रेनेज का नाम आता है, फिर इरिगेशन का नाम आता है। सारी दलहनी फसल
ये वाटर लॉग कंडीशन को बर्दाश्त नहीं करती हैं। किसानों को सचेत होना पड़ेगा कि अगर इंद्र देवता ने ज़्यादा बारिश कर दी तो हमें ड्रेनेज की व्यवस्था बहुत आवश्यक रूप से करनी चाहिए और उस ड्रेन के हुए पानी को कहीं और संरक्षण में ले जाना चाहिए। ये बहुत कारगर बात है। खेती करते समय अगर किसान नई तकनीकों का सहारा ले तो वे ज्यादा से ज्यादा उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। अभी के समय भारत सरकार कृषि यंत्रों पर कई सारे अनुदान दे रही है, इसका लाभ हमारे किसान भाई उठा सकते हैं। इस सम्मेलन में देश के कोने कोने से कई सारे पद्मश्री किसानों ने भी भाग लिया। इन्होंने खेती किसानी से जुड़ी कई बातें बताई जिसको कर किसान सफलता हासिल कर सकते हैं। वो यहाँ पर इतना बढ़िया लगा कि एक एक गांव में हो रहा है, एक टूरिज्म भी है, अरहर का खेत भी लगा है, तो हमें चाहेंगे, हमारी ये मंशा रहती है खेती की बात हो, खेत पर हो तो किसान ज़्यादा सीखता है। टेक्नोलॉजी जो खेती की है किसान देख करके ज़्यादा सीखता है, तो इस उद्देश्य से बहुत हमको अच्छा लगा। दूसरी बात ये है जो हमारा बुंदेलखंड है वैसे अरहर गुजरात में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है वहाँ, लेकिन यहाँ की जो अरहर है बहुत टेस्टफुल होती है। और यहाँ की मटर जो इस समय आप समझिए अक्टूबर में नवंबर में यहाँ की मटर पूरे उत्तर प्रदेश में बिकने के लिए जाती है, तो यहाँ मटर चना और अरहर, तो ये सम्मेलन यहाँ पर बहुत ज़रूरी थी। और ये एक बहुत अपने आप में एक नया प्रयोग है। हमेशा जो हमारे कृषि विभाग हैं या अन्य एग्रीकल्चर के हैं वो अक्सर यही करते हैं कि ज़्यादातर के कृषि गोष्ठी, कृषि सम्मेलन या एग्रो या एग्री बिजनेस ऐसे सम्मेलन होते हैं, एग्रोटेक या एक दलहन। चूँकि देखिए अरहर कितना हमारे लिए पौष्टिक है, कितना ज़रूरी है खाने में, तो एक दलहन सम्मेलन हुआ है, इससे हमारे बुंदेलखंड के किसानों को एक नई टेक्नोलॉजी पहुंचेगी और नई एक जानकारी पहुंचेगी और उनको एक आज दिमाग में बात घुसी कि दलहन हमारी इतनी महत्वपूर्ण फसल है, इससे बहुत कुछ विकास किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है वो थोड़ा अलग है, हमें थोड़ा पानी कम है, तो वहाँ के लिए अरहर और मटर और हमारी चना ये बहुत ही हमारे बुंदेलखंड के किसानों के लिए बहुत लाभकारी होगी। वैसे हमने भी यहाँ पर बताया है अपनी टेक्नोलॉजी कि जो हमारे किसान भाई हैं थोड़ा सब्जी की भी खेती करें, जैसे टमाटर है, फूल गोभी है, बैंगन है, मटर है, मटर तो कर ही रहे हैं, तो उनकी आमदनी और बढ़ेगी। कभी कभी हमारी प्राकृतिक आपदा भी आती है तो उससे ही बचेंगे, एक फसल नुकसान होगी तो दूसरी फसल हमारी बच जाएगी। फसल चक्र का एक लाभ है, फसल चक्र से हमारा 30% उत्पादन बढ़ता है और 50% हमारी उर्वरक घटती है। तो हम अपने किसान भाइयों को यहाँ पर हमने सलाह दिया है, जो आए थे करीब 5-6 हज़ार किसान आए थे बुंदेलखंड के, हमने उनसे बताया कि जो हमारे किसान भाई हैं वो फसल चक्र अपनाएं तो और उनकी आमदनी दोगुनी होगी बल्कि 4 गुनी होगी, जो हमारी सरकार की मंशा है, भारत सरकार की मंशा है। हाँ, एकता करके और खेती करे, पढ़ा लिखा बच्चे लोग जो करेंगे तो नए तकनीकी से करेंगे, खेती कभी घाटा का फायदा नहीं होता, खाते का नहीं है, मुनाफे का होता है। जब हम कोई काम कर रहे हैं उसमें मुनाफा हो रहा है तो खेती में क्यों नहीं मुनाफा होगा, जब कीजिएगा तब। लेबर का लोग प्रॉब्लम बताता है तो यंत्र तो आ गया, प्रोसेसिंग कीजिएगा उसमें कितने 50-60 आदमी उसमें भी काम करेगा, फिर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो हम ही तो नहीं बेच रहे, फिर हमारा बेचने के लिए अलग है, उसको लेबल करने के लिए मैंने बहुत काम उसमें है तो लोग कर रहा है तो बहुत लोग इंगेज हो गए, तो कौन इंगेज होगा, किसान होगा तो किसान का भविष्य उज्जवल होगा, वो काहे दूसरे के आदरवानी करने जाएगा। आपके साथ जब संगठन आपका होगा तो आपके साथ काम करेगा। कहे कि हम इतना सोचे कि दाल पर लोग ज़्यादा जोर लगाएगा तो देखते हैं कोई बीमार पड़ जाता है तो सब कुछ खाने के लिए डॉक्टर मना करता है, दाल कभी खाने के लिए नहीं मना करता। हर आदमी देखिए दूध खाइएगा ना, उससे ज़्यादा आपको विटामिन दाल में ज़्यादा है, दूध से ज़्यादा है, तो इसलिए डॉक्टर कभी दाल खाने के लिए नहीं मना करता है, रोटी खाने के लिए नहीं मना करता है, इसलिए दलहन पर इतना जोर शोर है, दाल महंग रहता है, किसान भाई जो खरीद कर खाते हैं सो नहीं खा पाते हैं, तो वो खा ज़्यादा होगा, उपज होगा तो ज़्यादा मार्केट में मिलेगा, तो सभी लोग खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, जमीन भी स्वस्थ रहेगा और हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। बुंदेलखंड में एक अरहर पाई जाती है जो 11 माह में आती है, तो बाकी अरहर 6-6 माह में आ जाती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, बाजरा की मात्रा अधिक होती है
और ये खेत की मेड़ के ऊपर होती है, तो जिसमें बरसात का पानी पड़ता है, ठंडी भी पड़ती है और इसमें ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा भी होती है। तो ये एक ऐसी दाल है जो बुंदेलखंड के अलावा कहीं नहीं पाई जाती है और ऐसे कार्यक्रम आयोजन होते रहने चाहिए। तो मैं आपके किसान चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि किसान खाद उसमें केमिकल लेस रह रहे हैं, तो ऐसी प्रजातियों को जिसमें खाद नहीं पड़नी है, पानी कम लगना है, पानी का संकट है पूरी दुनिया में, तो अरहर की दाल को प्रमोट करना चाहिए और मेड़ वाली अरहर की दाल को प्रमोट करना चाहिए। कटरा कालिंजर बांधा में जिला प्रशासन द्वारा अरहर सम्मेलन में कई सारे सफल किसानों ने भी भाग लिया जो जैविक खेती कर रहे हैं। इस आयोजन में इन्हें कृषि के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए सम्मानित भी किया गया। सफल किसानों को कई पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिए गए। आइए जानते हैं उनके विचार। जैविक खेती कर रहा हूँ विगत 3 वर्षों से और उसमें जो है हमको अब अच्छी पैदावार मिल रही है। इस साल से मैंने अभी जो है सब्जी के ऊपर जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है, उसको लेयर से सब्जी की खेती करना शुरू किया है। देख रहे हैं उसका उत्पादन अच्छा मिल रहा है, हमको इस साल पहला शुरू किया है। जैविक खेती कर रही हूँ, लगभग 5 साल हो गए हैं मुझको। मैं धान और गेहूँ और मटर पैदा करती हूँ अपने खेतों पे। उसमें घनामृत, जीवामृत और सीमांश खाद मिला करके, मतलब बना करके डालती हूँ उसमें, और अपने मतलब समूहों में भी जा करके उनको भी पीड़ित करती हूँ कि आप जो आप भी बनाइए। तो वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, मगर 2-4-10 लोगों ने बनवाया भी है। आज यहाँ मुझे पुरस्कार देने के लिए, सम्मानित किसान मित्र हूँ ना, इसलिए सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाया गया। मैं ब्लॉक से आजीविका सखी भी हूँ। यहाँ हमको बुला गया, हमको प्रमाण मिला जैविक खेती करने से। उसमें हम धान, गेहूँ, आलू, प्याज, बैंगन, सब्जी, हर एक चीज़ उसमें उगाते हैं अपने खेत में, पूरे जैविक से। मैं खेती 2016 से शुरू किया हूँ। उसमें ज़्यादा से अक्सर करके मैं सब्जी लगाता हूँ। उसमें अब की साल पर साल हम जो लगाए थे उसमें 10-20 भिंडी लगाए थे, लौकी लगाए थे, नेनुआ लगाए थे। उसमें हमको फायदा हुआ, 90,000 का हम बेचे थे। उसमें हम 4 जिलों में यूपी के, बाराबंकी, फतेहपुर, भदोही और चंदौली में काम पिछले 5 साल से कर रहे हैं। और हमारे जो किसान हैं उन्होंने जैविक खेती पे जो काम किया है, आज उनको यहाँ पर बांदा पर बुलाकर सम्मानित किया गया है। और मैं आपको और बांदा की धरती को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहीं बांदा जिले का ही रहने वाला हूँ, किसान हूँ और आवर्तनशील विधि की खेती करता हूँ और यही लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं बड़ा आभारी हूँ और बड़ा उत्साहित हूँ के किसानों ने जो काम शुरू किया और वो इस स्तर में पहुंच गया कि लोग बाहर से उनको बुलाते हैं सम्मान देने के लिए। तो इसको हम पूरा उत्साह है कि इसी तरह की यदि खेती शुरू हुई तो हम इस देश में पर्यावरण संतुलन और पौष्टिक आहार दोनों को लाने में फिर से सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। दलहन की खेती और गुणवत्तापूर्ण उपज को लेकर कटरा कालिंजर बांदा में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित अरहर दलहन सम्मेलन में भी कृषि पर्यटन की बात भी कही गई। इसको बढ़ावा देने से दलहनी फसलों को सहारा मिलेगा, ब्रांडिंग होने से मांग तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को उपज के अच्छे दाम भी मिलेंगे। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो।
बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी, अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में 58वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के 58वें दीक्षांत समारोह का आयोजन दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में किया गया। इस समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के निदेशक डॉ. ए.के. सिंह एवं अन्य वैज्ञानिकों ने भाग लिया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। इस संस्थान की विकसित प्रजातियों को उपराष्ट्रपति के द्वारा विमोचित किया गया। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि देश में 85% छोटे एवं लघु सीमांत किसान है। इसे देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को अधिक जानकारी देने की आवश्यकता है। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।